नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चौधरी ब्रदर्स पर। और आज हम सीखेंगे एक सुपर डुपर हिट सॉन्ग लता जी द्वारा गाया हुआ ये गलियां ये चोबारा, प्रेम रोग मूवी से। और एक सुपर डुपर हिट सॉन्ग है, कोई भी शादी विवाह का जब कोई फंक्शन होता है तो ये गाना मोस्टली बजाया ही जाता है और बहुत लोग इस सॉन्ग को पसंद करते हैं। तो हमारे एक खास व्यूवर की फरमाइश पर हम इस सॉन्ग का आज ट्यूटोरियल करेंगे। और इस सॉन्ग के ट्यूटोरियल में मैं आपको स्टार्टिंग का म्यूजिक और बीच का म्यूजिक, दोनों म्यूजिक पार्ट बताऊंगा। और मेरी कोशिश रहेगी बिल्कुल इजी तरीके से आपको सिखाऊं, और आपको इस पूरे ट्यूटोरियल का डिस्प्ले पर नोटेशन भी मिलेगा, ठीक है? तो आइएगा, इस सॉन्ग को आज हम सीखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और आप भी अगर इस सॉन्ग को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और करते हैं लेसन शुरू। लेसन शुरू करने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी यही कोशिश है कि अच्छे अच्छे लेसन हम इस चैनल पर आपको देते रहें। आइएगा, बात कर लेते हैं सबसे पहले स्केल की। तो स्केल हमने पहला काला रखा है बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए। और स्वरों की अगर बात करें तो ये भैरवी थाट पर है, भैरवी राग का अंग है, और इसलिए मुझे आज इस सॉन्ग का नोटेशन देना पड़ेगा डिस्प्ले पर आपको, क्योंकि ये भैरवी है तो इसमें काफी अलग एक्स्ट्रा स्वर भी यूज हो रहे हैं, ठीक है? तो कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए हम बिल्कुल धीरे धीरे तरीके से करेंगे। तो आइएगा देख लीजिएगा, सबसे पहले इसमें स्वर देख लेते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। अब क्योंकि भैरवी है तो धा भी कोमल, नी भी कोमल, रे और गा दोनों कोमल, लेकिन इसमें आपका शुद्ध गा भी यूज होगा एक जगह, ठीक है, और शुद्ध धा भी यूज होगा, ठीक है, ये एक्स्ट्रा स्वर भी यूज होंगे। अब देखिएगा, बात करते हैं सबसे पहले जो इसका स्टार्टिंग म्यूजिक है। अब स्टार्टिंग म्यूजिक जहां से रिदम शुरू होता है वहां से देखते हैं, ये स्टार्टिंग का पार्ट है इसका। अब स्लो में देखिएगा, सासी शुरू होगा, पहले इतना समझिएगा, सा सा गा मा पा मा गा, पहला पोर्शन सा सा गा मा पा मा गा, दूसरा सा सा गा मा पा दा पा मा गा, दूसरा धा भी यूज हुआ है दूसरी बार में, वरना पूरा सेम है, ठीक है? सा सा गा मा पा मा गा, सा सा गा मा पा दा पा मा गा, ठीक है? उसके बाद देखिएगा थोड़ा थोड़ा करके, रे रे गा मा मा गा, रे रे गा मा मा, रे रे गा मा मा गा, रे रे गा मा मा, ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद गा रे मा गा रे गा सा, गा रे मा गा रे गा सा, तो ये इतना हुआ। पार्ट है, हालांकि इसमें छोटा सा एक फ्लूट का पार्ट भी है, लेकिन अगर उस फ्लूट के पार्ट को हम ट्यूटोरियल में रखते हैं तो वो बिगिनर्स तो बिल्कुल भी नहीं बजा पाएंगे, वो एडवांस लेवल का पार्ट है। इतना पार्ट है। अब जो ये पार्ट मैंने अभी पहले आपको बताया, इसको बजाने के बाद आप डायरेक्ट फ्लूट का पार्ट बजाएंगे तो बिल्कुल ठीक लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको आएगी, ठीक है? गामा रेगा सा, गामा रेगा सा, गामा रेगा सा सा सा। अब ये गामा रेगा सा ये तीन बार आएगा, गामा रेगा सा, गामा रेगा सा, गामा रेगा सा सा सा, फिर दो बार सा सा, ठीक है? अभी पूरा पार्ट एक बार सुन लीजिए किस तरह से आपको प्ले करना है। अब सा
सा भी आप अकेला बजा सकते हैं, लास्ट में जो डबल सा है, और पूरा कॉर्ड भी आप बजा सकते हैं सी शार्प माइनर, स स स स, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये इंट्रो म्यूजिक पार्ट हुआ। अब इसके बाद आपका स्थाई देखेगा, जो स्थाई है ये गलियां ये चौबारा यहां आना ना दोबारा, स्थाई का फर्स्ट पोर्शन ये है, ये गलियां ये चौबारा यहां आना ना दोबारा। सारे गागा मादा पामा मामा ये गलियां ये चौबारा यहां आना ना दोबारा। दोनों का नोटेशन सेम है, लेकिन सेकंड लाइन में कहीं कहीं उसमें नी का कण भी यूज हो जाता है, यहां आना ना दोबारा यहां आना ना दोबारा, इस तरह से। बाकी नोटेशन सब सेम है, ठीक है। अब उसके बाद अब हम तो भाई परदेसी, अब इतना देख लीजिए पहले, अब हम तो भये अब हम तो भये पादा सान दा पामागा, अब हम तो भये पादा सान दा पामागा, परदेसी परदेसी पदा पमामा परदेसी, ठीक है। उसके बाद परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं, तेरा यहाँ कोई नहीं, अभी जो लाइन है कि तेरा यहाँ कोई नहीं, अभी देखिए कि तेरा यहाँ रे सा निन्नी सा 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 के तेरा यहाँ कोई नहीं रे मा गा मा रे सा सा गा रे ते कोई नहीं कोई नहीं। के तेरा यहां कोई नहीं, तेरा यहां कोई नहीं, जो पहली लाइन में के तेरा यहां कोई नहीं और दूसरी लाइन में के हट जाता है, सिर्फ तेरा यहां कोई नहीं, वही नोटेशन सब सेम रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर सेकंड लाइन जो स्थाई की आती है, ले जा रंग बिरंगी यादें हंसने रोने की बुनियादें, अब हम तो भये परदेसी तेरा यहां कोई नहीं, तेरा यहाँ कोई नहीं। अब ये जो लास्ट में जब छोड़ा जाता है कोई नहीं मगरे ससा, फिर इस तरह से आएगा मगरे ससा, ठीक है। इस तरह से आपका ये पूरा स्थाई का पोर्शन कंप्लीट होगा। अब इसके बाद देखते हैं जो इसका म्यूजिक पार्ट है, अब म्यूजिक पार्ट देखिएगा, ठीक है। अब ये प्लक पार्ट है पूरा, अब स्लो में देखिएगा, सा सा पा 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 धा पा धा पा मामा, सा सा पा 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 धा पा धा पा मामा, दूसरा सा सा मा 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 पा मा पा मा गा गा, सा सा मा 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 पा मा पा मा गा गा, ठीक है। फिर से देख लीजिए, उसके बाद सा नी सा रे गा मा पा गा रे मा गा मा रे गा सा, फिर है सा नी सा रे गा गा रे मा गा मा रे गा सा रे मा गा मा रे गा सा,
म्यूजिक पार्ट हुआ आपका। अब इसके बाद फिर आपका अंतरा शुरू होता है। अब जो अंतरा है वो ऊपर के सा से शुरू होगा। मेरे हाथों में भरी भरी चूड़ियां मुझे भा गई, हरी हरी चूड़ियां। ये है आपका अंतरा, ठीक है। अब सा से शुरू हुआ। मेरे हाथों में भरी भरी चूड़ियां मेरे हाथों में सनी निधा दादा, मेरे हाथों में सनी निधा दादा, भरी भरी चूड़ियां भरी भरी चूड़ियां, पानी दापा मांगा गाधा भरी भरी चूड़ियां। ये है भरी भरी चूड़ियां पूरी लाइन। मेरे हाथों में भरी भरी चूड़ियां, ठीक है। उसके बाद मुझे भा गई हरी हरी चूड़ियां, मुझे भा गई मुझे भा गई सारे मगम पमामा। अब यहाँ पर शुद्ध गा यूज हुआ है, सारे मगम पमामा मुझे भा गई हरी हरी चूड़ियां, मापा गमा धा 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 सदा हरी हरी चूड़ियां। ठीक है, अब पूरी लाइन एक बार सुन लीजिए। मेरे हाथों में भरी भरी चूड़ियां मुझे भा गई हरी हरी चूड़ियां। ठीक है, अब उसके आगे फिर ये भी सेम नोटेशन पर रहेगा। देख मिलती है तेरी मेरी चूड़ियां, तेरे जैसी सहेली मेरी चूड़ियां। ठीक है, अब यहां पर खत्म हुआ। अब उसके बाद फिर जो नेक्स्ट लाइन है, तूने पीसी वो मेहंदी रंग लाई, तूने पीसी वो मेहंदी रंग लाई, गामा पधा धा धा पधा पधा पामा मामा, तूने पीसी वो मेहंदी रंग लाई, गामा पधा धा धा पधा पधा पामा मामा। ठीक है, उसके बाद मेरी गोरी हथेली रचाई, मेरी गोरी हथेली रचाई, गामा पदान। अब यहां पर जो है नी का कर्ण यहां पर छुएंगे, बाकी पहली वाली नोटेशन है सेम। गामा पदा दादा पदा पदा पामा मामा, पहले वाली में हम पा पर रुके थे, अब यहां मा पर आएंगे। मेरी गोरी हथेली रचाई, ठीक है। उसके बाद जो फिर नेक्स्ट लाइन है, तेरी आँख क्यों लाडो भर आई, फिर ये है तेरी आँख क्यों लाडो भर आई, गामा पानी नी नी दा पदा पामा मापा। अब यहां पर देखिएगा, शुद्ध गा भी लग रहा है और शुद्ध धा भी लग रहा है। तेरी आँख क्यों लाडो भर आई, पहले शुद्ध धा फिर कोमल धा, तेरी आँख क्यों लाडो भर आई, गामा पानी नी नी दा पा धा पा मा मा पा, तेरी आँख क्यों लाडो भर आई, तेरे गरीबी बजेगी शहनाई। फिर ये लाइन, तेरे गरीबी बजेगी शहनाई। अभी जो है तेरे घर भी बजेगी शहनाई, ये सेम इससे पहले वाली तेरी आँख क्यों लड्डो भराई इस नोटेशन पर है। तेरी आँख क्यों लड्डो भर आई, यहाँ पापर आ गए। और इसके बाद
तेरे घर भी बजेगी शहनाई, तेरे घर भी बजेगी शहनाई, माँ घर बसा शहनाई। ठीक है, तेरे घर भी बजेगी शहनाई। ठीक है, सावन में बादल से कहना, परदेश में है मेरी बहना, अब हम तो भई है परदेसी, कि तेरा यहाँ कोई नहीं, तेरा यहाँ कोई नहीं। ठीक है, अब ये जो लाइन है, सावन में बादल से कहना परदेश में है मेरी बहना, सेम ये आप बिल्कुल स्टार्टिंग वाली जो ये गलियां चौबारा वो वाली जो लाइनें हैं, वही वाला नोटेशन आप यहाँ पर यूज करेंगे और इस तरह से आप इस गाने को अच्छे से प्ले कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये कोशिश आपको पसंद आएगी, कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कीजिए आप इसकी प्रैक्टिस, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।